आपकी टीम कभी इन्वॉल्व हो गई जैसे ही मर्डर हुआ? उसी टाइम से हमने वर्किंग शुरू कर दी थी। कोई जेल्स पे कर रहा था, कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे कर रहा था। क्या पता लगा मर्डर की प्लानिंग कब से हो रही थी? पहले स्पेशल सेल ने एक और अक्यूज पकड़ा था जिसका नाम शाहरुख था। कुछ बातें सामने आई थी कि किसी भी पर्सनैलिटीज को कर सकते हैं। बिश्नोई सर कैसे टूटा? क्या उसने मान लिया था कि मास्टरमाइंड वही है? पूरी प्लानिंग जेल के अंदर हो रही थी? जेल के अंदर हमने कभी नहीं बोला। जेल के अंदर बंद था? जेल के अंदर उसने बोला कि हाँ हमने कराया है। खबरें ये भी आई थी कि मूसेवाला को एक दो बार पहले भी मारने की कोशिश की। इसकी वारदात से पहले इनको इंस्ट्रक्शन आई, गोल्डी ब्राड ने बोला कि बिना सिक्योरिटी के हैं, आप फॉलो करो और जो टास्क दिया गया उसको पूरा करो। बाहर से लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गाड़ियां, हार्बरिंग, रहैश, वेपन्स, डिलीवरी व्हीकल्स। आपको लगता है इस केस के अंदर कुछ जेल के अंदर के लोग भी मिले हुए होंगे? बिना आधार की बात है, अभी जब तक कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं हो जाती ऐसे किसी को बोल देना बिल्कुल गलत होगा। अगर सिक्योरिटी इनके साथ होती उस दिन 29 मई को तो क्या बच सकते थे? हो सकता है उस दिन वारदात ना होती अगर सिक्योरिटी साथ होती तो। आप भी गाने सुनना या उनको लाइक करते थे क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि पंजाब की है? नाम सुना था, गाना नहीं सुना था। सुनने के बाद तो मुझे भी लगा कि बहुत बड़ा टैलेंट थे और जेन्युइन स्टार थे। 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पंजाब और दिल्ली पुलिस इस मामले में रोजाना नए नए खुलासे कर रही है। इस मामले में स्पेशल सेल ने जिस तरह से काम किया उसके बाद साफ हो गया है कि यूं ही दिल्ली पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस में शुमार नहीं किया जाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचएस धालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनकी टीम ने इतना बेहतरीन काम किया है। इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक तार जुड़ते गए, कड़िया खुलती गई, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब केस के अंदर क्या कुछ नए अपडेट्स हैं। सर स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। थैंक यू जी। सर जिस दिन ये घटना हुई रविवार 29 मई को, आपको कैसे पता लगा कि इनका मर्डर हो गया और उस वक्त दिमाग में क्या आया? क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी है सिद्धू मूसेवाला, आपको लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी मर्डर है? नहीं, मेरे पास इनफैक्ट कुछ वीडियोस जैसे कि वायरल हुए थे तो चंडीगढ़ से, पंजाब से एक दो जो जानकार थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है जी। तो जब मैंने वीडियो खुद देखे तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी ब्रेजन और ऑर्गेनाइज किलिंग है, जो एज अ पुलिस ऑफिसर आप फर्स्ट चीज़ देख के देख पाते हैं कि इतने बुलेट्स फायर हुए हैं, एक इतनी नोन पर्सनैलिटी जिसके साथ दो लोग हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि जब भी कोई बड़ा क्राइम हो जहाँ भी हो, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो हम देखते हैं कि उसकी कोई रेमिफिकेशन या उसके कोई लिंक कोई ऐसा है जो कि दिल्ली को फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेशल सेल का मैंडेट है एंटी टेरर और एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम का, खास तौर पे बिसाइड्स नार्को एंड साइबर। तो मैंने उसी टाइम अपनी मल्टीपल टीम्स को लगाया था इसमें और हमारे यू नो टॉप लीडरशिप को भी वो था कि जो भी ऐसा केस हो उस पर हमें काम करना है। मतलब आपकी टीम तभी इन्वॉल्व हो गई जैसे ही मर्डर हुआ? उसी टाइम से हमने वर्किंग शुरू कर दी थी क्योंकि हम क्राइम सीन पे नहीं जा सकते थे जी। और जाना उचित बनता नहीं था, जा तो सकते हैं लेकिन ये एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता कि स्टेट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो चाहे हम उस पर काम करते हैं लेकिन हम बिना, नॉर्मली कोशिश करते हैं बिना क्राइम सीन पे जाए, अगर किसी और स्टेट में हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है या जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज़ ऐसी हम निकाल पाएं। तो हमारी टीम्स को भी दो तीन दिन लगे थोड़ा नैरो डाउन करने में। एक टीम ने अच्छा ग्राउंड वर्क किया, उन्होंने पहला जो एक यू नो सस्पेक्ट्स का एक चरित्रण उनका था, किसी टोटल टेक बेस्ड था ये, उसमें उन्होंने 8 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया कि जो कि इस घटनाक्रम से किसी तरीके से लिंक हो सकते थे। तो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उससे बाकी टीमों को भी दिशा मिली। बाकी टीम्स भी काम कर रही थी लेकिन कोई जेल्स पे कर रहा था, कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे कर रहा था, कोई वेपन सप्लायर्स क्योंकि ऑटोमेटिक वेपन यूज़ हुए थे। तो अलग अलग टीम्स जैसा जैसा उनके पास पोटेंशियल था वो अलग अलग काम कर रहे थे। सर पंजाब पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट भी नहीं किया था लेकिन यहाँ अपने दिल्ली में उसे पूछताछ शुरू कर दी। क्या आपको डाउट था कि बिश्नोई इस कांड में शामिल हो सकता है क्योंकि जिम्मेदारी वहाँ गोल्डी ब्राड ने ली थी?
नहीं नहीं वो तो उसी दिन एक नेटवर्क को कॉल आई थी जो सचिन बिश्नोई की कॉल थी, तो हमारे लोगों ने यहाँ पे इन इस गैंग पे, सिंडिकेट पे, इनके राइवल गैंग्स पे बहुत काम कर रखा है, उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं, ऑथेंटिक वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी, जो लोगों को एक्सटॉर्शन थ्रेट आए हैं पहले। तो प्राइमा फेसाई जब हमारी टीम्स को लगा कि ये कॉल्स में वॉइस जेन्युइन है और जो बोला गया है इसमें काफ़ी दम है, तो उससे एक और ज़्यादा फोकस करके उन्होंने इसी सिंडिकेट पे किया। और ऑलरेडी इनके सिंडिकेट के सारे काफ़ी मेन लोग जो हैं हमारे स्पेशल सेल की टीमों ने पकड़ रखे हैं, तो उनको काफ़ी इनके ऊपर काम किया हुआ, उन्हें पता है कि ये क्या कर सकते थे, यू नो, और क्या इनके और बंदे जो हो सकते हैं बाहर होंगे उनको टारगेट किया जाए। जी, क्या पता लगा मर्डर की प्लानिंग कब से हो रही थी, कैसे? मर्डर की प्लानिंग नहीं पता थी। एक पहले स्पेशल सेल ने एक और अक्यूज पकड़ा था जिसका नाम शाहरुख था, एक महीना पहले, तो उसकी इंटरोगेशन से भी कुछ बातें सामने आई थी कि ऐसा कुछ टारगेट का जो लग रहा था कि किसी भी पर्सनैलिटीज को कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं कि अनफाउंडेड, जब तक कोई आपको डेफिनेट कॉरबोरेशन नहीं हो जाती आप उस पर डेफिनेटिवली काम नहीं कर सकते। लेकिन हमारी टीमों ने जो पोस्ट इंसिडेंट था काफ़ी अच्छा काम किया, और ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस था, पहले उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पे काम किया हुआ था उस एरिया में और कुछ मेन शूटर्स को पकड़ रखा था, तो एक उनको एक नेचुरल एक जो होता है सीक्वेंस कि किसी ने कोई एक फील्ड में काफ़ी काम कर रखा हो तो उसको उसके थ्रेड पिक करने आसान हो जाते हैं। बिश्नोई सर कैसे टूटा, क्या उसने मान लिया था कि मास्टरमाइंड वही है, पूरी प्लानिंग जेल के अंदर हो रही थी? जेल के अंदर हमने कभी नहीं बोला, कि जेल के अंदर बंद था। जेल के अंदर उसने बोला कि हाँ हमने कराया है, मास्टरमाइंड है, उसने एडमिट किया था। लेकिन हमने पहले भी ये कमेंट किया कि अब पिछले 10 साल में कोई 20 जेलें काट चुका है, एक जो मास्टरमाइंड है उसको ये बोलना कि ये करना है, इसके लिए कोई अंदर मतलब बैठ के कोई आपको सारा दिन फ़ोन नहीं करना, आपकी प्रोडक्शन है, कोर्ट में जाते हो, उसके साथी हैं, उनकी मुलाकात है, उनको मुलाकात करने आते हैं, तो मैसेज इतना डिलीवर कराना कि ये करना है, तो उसके 10 तरीके हो सकते हैं। तो सर प्लानिंग कहाँ हो रही थी, अगर वो प्लानिंग सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था तो कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा होगा प्लानिंग का? एक मास्टरमाइंड ने अपने नंबर 2-3 को बोला कि ये करना है और वो बाहर हैं, कोई इंटरनेशनली बैठा है, और वो आगे शूटर ऑर्गेनाइज करते हैं, गाड़ियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, ठहर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आदमी मतलब बंदर बैठा उसको हर चीज़ यू नो उस तरीके से इन्वॉल्व होगा या पता होगी। ये तो सर खबरें ये भी आई थी कि मूसेवाला को एक दो बार पहले भी मारने की कोशिश की गई थी, एक बार वो जब पहले गाड़ी लेके अकेला निकले थे तब भी उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इनकी इंटरोगेशन देखो पहले बोलना तो बड़ा मतलब जैसे हमें भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती रही हैं, मतलब इन द सेंस की मतलब जैसा कि आप रोज़ काम करते हो, रोज़ क्रिमिनल पकड़ रहे हो, कभी कुछ क्रिमिनल से कोई बात पता चलेगी, कोई गैंगस्टर से कोई बात पता चलेगी, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें सही होती हैं, बहुत सारी बातें सही नहीं होती। हाँ इंटरोगेशन करी आपने किसी की, उससे एस्टेब्लिश हुआ तो आप डेफिनेटिवली बोल सकते हो। अब हमने क्योंकि शूटर्स हमारे टीम ने अरेस्ट किए हैं और ख़ासतौर पर जो मॉड्यूल हेड ही था बुलेरो का, तो अब उसने जो बातें बताई हैं वो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसकी वारदात से पहले इनको इंस्ट्रक्शन आई, गोल्डी ब्राड ने बोला कि बिना सिक्योरिटी के हैं आप फॉलो करो और जो टास्क दिया गया उसको पूरा करो। सर ये कहा जा रहा है कि आपकी और आपकी टीम की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, काफ़ी आप लोगों ने काम किया, तो ऐसी क्या लीड थी जहां आपको लगा कि हाँ वाकई ये लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं? एक चीज़ तो ये तो बहुत ही आपने देखा इतना एक्सटेंसिव क्राइम है, इतनी एक्सटेंसिव प्लानिंग है, कोई एक चीज़ से आप इस पर नहीं पहुंच सकते। ये कोई मेर नहीं है कि एक बंदे ने जाके किसी एक को मार दिया और पता चल गया यहाँ छुपा हुआ, ऐसा तो क्राइम है ही नहीं है। इसमें इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, बाहर से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बाहर से लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गाड़ियाँ, हार्बरिंग, रहायश, वेपन्स, डिलीवरी, वहीकल्स, वारदात के बाद वेपन्स का अलग हो जाना, ये बहुत एक डिटेल्ड और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है। सर शूटर्स की जो संख्या थी इसको लेकर भी सवाल उठे, कभी दिल्ली की तरफ से कहा गया कि 6 थे, 5 कहा गया, नहीं नहीं वो पंजाब पुलिस ने 4 कहे, फिर नहीं नहीं वो सवाल सिर्फ मीडिया के
एक डेलिबरेट जैसे होता है कि आपने एक बोल दिया कि उन्होंने ये बोला, हमने ये बोला, हमने ऐसा, देखिए पहले आप छः पे कैसे पहुंच जाएंगे, पहले हमने ऐसे तो एक सस्पेक्ट की लिस्ट बनाई 8 की, ठीक है, 8 में से वो एक हमारा इंटरनल नोट है, हमने उसको कोई रिलीज नहीं किया, ठीक है, वो इतनी जगह शेयर हुआ, कहीं ना कहीं से वो प्रेस में आ गया। तो अब मैं उसी की बात करूं जो आप कह रहे हैं, तो उस वो नोट बहुत रिलेवेंट रहा, उसमें 3 शूटर तो एक्चुअल कंफर्म हो गए, तो दिस इज़ अ एब्सोल्यूट ब्रिलियंट वर्क ऑफ द टीम कि बिना मौके पे जाए, बिना वारदात पे विजिट किए, अगर उन्होंने किसी अपना एक्सटेंसिव एफर्ट से ज़ीरो डाउन किया, तो इट इज़ अ वेरी गुड वर्क। अब उस तीन शूटर वेरीफाई हो गए, 2 महाराष्ट्र ने अरेस्ट कर लिए, उनके 2 बड़े केस खुल गए जी। तो वो भी रिलेवेंट निकले, 3 लोग इसमें जो थे उनका रूल आउट हो गया जी। आपने कहा कि जो प्रियव्रत फौजी है जिसकी उम्र करीब 26 साल है, कशिश है और ये केशव कुमार है, क्या इनका सर रोल क्या था इस पूरे हत्याकांड में? प्रियव्रत फौजी तो पुराना क्रिमिनल है और पहले वारदातों में रहा है और वेपन्स का बैग इसको डिलीवर हुआ और गोल्डी ब्राड के कहने पे एक आदमी इसको आके देखे गया, लेकिन इसको ना उससे पूछना था ना उसको इसका पूछना था, तो उन्होंने अपना स्टॉप लगा रखे थे हन इन्फॉर्मेशन पे, लेकिन इसको पता था कि सिद्धू मूसेवाला वाला इसने वारदात को अंजाम देना है, ये क्योंकि एक तरीके से वर्चुअली मॉड्यूल हेड था जो कशिश था इसके साथ, उसको इस चीज़ की कि कौन है टारगेट ये बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पता था, उसको पता था कुछ बड़ा काम करना और प्रियव्रत के साथ जाना है, वो साथ गया, उसने बलेरो चलाई, प्रियव्रत साथ बैठा था, अंकित और अंकित सिरसा और दीपक मुंडी इनके साथ थे बोलेरो में। तो क्या लोग आपस में कोडवर्ड में बात करते थे, अगर सामान डिलीवर करना होता था या किसी को कहीं होटल में ठहराना होता था, क्या कैसे बात कैसे करते थे? ये नहीं हम बताएंगे, ये बहुत ही डिटेल की बातें हैं, ये हम शेयर नहीं कर सकते। चलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप शेयर नहीं करना चाहते। एक सवाल ये उठ रहा है कि जेल के अंदर जब बिश्नोई जेल के अंदर था तो क्या अंदर फ़ोन से उसने बातचीत की, इंटरनेट कॉलिंग की, क्योंकि तिहाड़ को एशिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है? नहीं, ये तो अभी कोई इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि कोई नंबर था जो यूज़ हो रहा है, मतलब ये एक बात है इंटरोगेशन की। पहले काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं कि जहां जेल में फ़ोन भी बरामद होते हैं जी। हमारी टीमों ने भी कई बार सर्च किया है, बरामद किया, केस दर्ज हुआ है, जेल स्टाफ के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ आप बोलें कि 100% ये नहीं हो रही किसी भी जगह पर, इस चीज़ को ऑथेंटिकली बोलना बड़ा मुश्किल है। कि आपको लगता है इस केस के अंदर कुछ जेल के अंदर के लोग भी मिले हुए होंगे? नहीं, ये तो मतलब वैसे बिना आधार की बात है, अभी जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो जाती ऐसे किसी को बोल देना बिल्कुल गलत होगा। एक सर, ये महाकाल और मंजीत भोलू की इसमें क्या भूमिका है? नहीं, महाकाल तो अरेस्ट हुआ, महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया, उनका 1 साल पुराना केस था वहाँ, लोकल मर्डर केस था। महाकाल का भी शॉर्टलिस्टिंग उसी नोट में हमारी एक टीम ने करी थी जी। तो उसके बाद उनको भी मदद मिली महाराष्ट्र पुलिस को, उन्होंने महाकाल को अरेस्ट किया। संतोष जाधव भी हमारी टीम ने एक वन ऑफ द प्रोबेबल शूटर्स में और सस्पेक्ट्स में इसको अंकित किया था, तो संतोष जाधव की अरेस्ट हुई। संतोष जाधव तो मुकोका का वांटेड है, वारंट पेंडिंग है उसकी, राजस्थान और इन एरियाज में मूवमेंट रही है, उसने वारदात करी है, महाकाल ने वारदात करी है, उसने बताया कि उसने 3-4 साल पहले उसने कहीं फायरिंग भी करी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पे मोगा एरिया में, तो रेलेवेंट लोग थे और अरेस्ट किया महाराष्ट्र ने। और संतोष जाधव के आगे चंद्रवंशी नवनाथ अरेस्ट हुआ, उनकी इंटरोगेशन से उन्हें कुछ जो सलमान खान के लेटर प्लेस हुई थी उसके बारे में पता चला, तो वो बड़ा अच्छा, उनको भी एक चेन और एक पूरी लाइन मिली आगे काम करने। सर, गुजरात से भी आपको काफ़ी कामयाबी मिली, क्या कैसे पता लगा कि ये लोग कच्छ के अंदर हैं, क्या कुछ इनपुट थे इस मामले में? नहीं, वो हमारी देखो एक होता है कि आप क्रिमिनल का आप पूरा रूट ट्रेस करते हो, कहाँ से निकले, कहाँ गए, कहाँ के हैं, अगर कोई आदमी चरखी दादरी का है, कोई आदमी तरन तारन का है, कोई महाराष्ट्र का है, अलग अलग मॉड्यूल कंबाइन हो रहे हैं या हरियाणा के 3-4 जगह के लोग हैं, तो नेचुरली इनकी मूवमेंट होती है, घर पे भी होती है, घर भी कभी कभार जाते हैं या अपने पुराने साथियों के ठिकानों पे जाते हैं, कुछ लोग फरारी काट रहे हैं, कहाँ फरारी काट रहे हैं, किसके पास हो सकते हैं, कौन इनके पुराने एसोसिएट रहे हैं, कौन इनका बेल रिलीज हुआ, तो वो बड़ी नॉर्मल जो क्राइम को टैकल करने की नॉर्मल प्रक्रिया है जी। एक जब सिद्धू मूसेवाला निकले तब के पास सिक्योरिटी नहीं थी, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि अगर सिक्योरिटी इनके साथ होती उस दिन,
29 मई को, तो क्या बच सकते थे या फिर जो इनको मारने के लिए आए थे, क्योंकि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इतना सारा असला उनके पास था, ग्रेनेड भी थे, लॉन्चर भी थे, क्या उस दिन क्या होता अगर सिक्योरिटी साथ में होती तो? उस दिन क्या होता तो मैं ये नहीं, आपको देखो जो चीज़ नहीं हुई उसको 100% हो सकता उस दिन वारदात ना होती अगर सिक्योरिटी साथ होती तो, ये तो अब जो चीज़ नहीं हुई उसको मतलब आप गैस ही कर सकते हो एक। हाँ जी सर, लेकिन जो हथियार इनके पास थे AK-47 भी थी, जो कि इंडिया में किसी के पास अमूमन होती नहीं है, खासतौर पर क्रिमिनल भी आजकल इसको इतना यूज़ नहीं करते, पुलिस के पास और जो दूसरी एजेंसी है उनके पास होती है। बड़ा सवाल ये है कि कैसे यहाँ तक हथियार पहुँचे, क्या इसमें अदर कंट्री का खासतौर पर पाकिस्तान का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, ऐसे नाम लेना मतलब क्रॉस बॉर्डर फैक्टर इसमें हो सकता है, और हमेशा हॉस्टाइल इंटरेस्ट रहते हैं जो कि हमेशा कोशिश करते हैं कि जो पीस है इसको डिस्टर्ब किया जाए, कुछ ना कुछ खुराफात होती रहे। लेकिन हमें इतना पता है कि एक आदमी आया था जो प्रियव्रत फौजी को बैग दे के गया है, वो आदमी कौन था वो इसको भी नहीं पता, लेकिन वो गोल्डी बराड दोनों को डायरेक्ट कर रहा था, तो अभी देखते हैं उसमें क्या पता चलता है। गोल्डी बराड को ये कहा गया है इसको मारने के बाद कि काम हो गया है? हाँ, जब ये वहाँ से निकला तो प्रियव्रत फौजी ने इसको बताया कि काम हो गया। एक सर ये है कि बहुत सारी कॉल हुई, इंटरनेट बातचीत भी हुई, वीडियो कॉल भी हुई, तो क्या हम पे ऐसा कोई ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे हम पहले से इन लोगों को टारगेट कर सके, हमको पता लग सके, क्या हम लोग उस पोजीशन में हैं इंडिया में, वो टेक्निक है हमारे पास अभी क्राइम होने से पहले, इतने बड़े लेवल पर जब क्राइम हो उससे पहले हम उसको रोक सकें? नहीं, बहुत सारा क्राइम प्रिवेंट होता है, अगर पुलिस ना हो तो पता नहीं कितना क्राइम हो जी, 100 गुना हो शायद जी। तो पुलिस है, काम कर रही है, इसीलिए क्राइम होता तो है लेकिन कम होता है, ये तो आप तभी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि बिल्कुल ना हो तब आपको पता चलेगा पुलिस नहीं है तो इतने गुना क्राइम हो गया, तो ये कहना बेबुनियाद होगा। लेकिन ये कि 100% क्राइम प्रिवेंट नहीं हो सकता। और सर आपने बहुत मेहनत इस केस पे की, कई लोगों को पकड़ा भी, बिश्नोई से बातचीत भी की, रिमांड पे भी लिया, क्या मोटिव क्या निकला इस केस का, फिर क्यों मारा गया सिद्धू मूसेवाला को? मोटिव देखिए, कल ऑलरेडी उन्होंने पंजाब पुलिस ने अपनी कॉन्फ्रेंस में शेयर कर दिए हैं, तो मेन मोटिव इन्होंने एक तो विक्की मिड्डू खेड़ाई किलिंग का ऑलरेडी बताया है कि उसका एक कारण था, और भी मल्टीपल कारण थे, हम उसमें मतलब डेलिबरेटली नहीं जाना चाहते, पता तो है हमें, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादातर पार्ट है, क्योंकि हमारा मेन फोकस था कि जो लोगों ने फायरिंग करी है या जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ा जाए। तो मास्टरमाइंड तो जेल में था, उसको अरेस्ट किया गया, उसकी इंटरोगेशन में उसने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तो फिर बचता था कि शूटर्स कौन है, तो उसी पे हमारा ज़्यादा फोकस है। एक सर ये हथियार कब इंडिया में आए होंगे, कैसे आए होंगे, क्या इस पर भी कुछ काम? ये जो आप कह रहे हैं कि कंट्री में आए कैसे आए, वो मैं नहीं डेफिनेटली बता सकता, लेकिन इनके पास कपल ऑफ वीक्स पहले पहुँच गए थे। इसी के लिए आए थे सिद्धू मूसेवाला के? इसी के लिए आए थे। ये इतना बड़ा गैंग है, अक्सर इतने हथियार रख के चलता है? नहीं, अब गैंग है पूरा, कोई गैंग तो नहीं उस टाइम हथियार लेके चल रहा था, इनका एक बंदा जो मॉड्यूल हेड है उसके पास आए, एके भी उस पार्ट का बैक का पार्ट थी जी। लास्ट मिनट पे इसको गोल्डी बराड ने बताया कि एके जो है वो मनप्रीत मन्नू फायर करेगा, तो प्रियव्रत फौजी ने AK-47 उसे दे दी, वो करोला में आगे थे, बस्ट फायर मन्नू ने किया, तो ये चीज़ें एस्टेब्लिश्ड हैं, ये मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जी। सर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई, क्या ये दो ही थे मास्टरमाइंड या कोई और भी इसमें तीसरा पक्ष निकल के सामने आया? सचिन बिश्नोई भी था। अब इनके और देखिए, अब ये जो चीज़ें फिर आप बार बार उस साइड लेके जाते हैं, ये तफ्तीश का भी मतलब हमें पता है जी। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ों पर कमेंट नहीं करना चाहते बहुत ज़्यादा जी। सर एक सवाल ये है कि आपने क्योंकि कहा बड़ा एक लंबा चौड़ा मूवमेंट था, कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसमें पैसा भी इस्तेमाल हुआ होगा, क्या किस तरह से डील हो रही थी, क्या ये पेड किलिंग थी, जो लोग हायर किए गए थे जो शूटर थे उनको पैसे भी दिए गए इसके बदले में? कुछ पैसे इन्हें मिले हैं, कुछ इन्हें और मिलने थे, वो अगेन यू नो जैसे कई बार लाख मिला, अभी तो कोई बड़ी जैसे फुटकल पैसा होता है कि इनको रहने के लिए, ट्रैवल के लिए, गाड़ी के लिए, गाड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए था, अभी तक तो उस तरीके का पैसा इन्हें मिला था जी। क्या सर बॉलीवुड भी निशाने पर है, जिस तरह से सलमान खान हो या करण जौहर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार मीडिया में खबरें आती रही हैं, आपने इन लोगों को इंटेरोगेट किया, ऐसा कुछ खुलासा इन लोगों ने किया हो? नहीं, इंटेरोगेशन से सामने आया जो इसका था कि पहले इन्होंने अटेम्प्ट करी थी, वो हमने शेयर भी किया है, क्योंकि तब इसका एक एसोसिएट था संपत नेहरा जो कि बॉम्बे में गया था, उसके पास आरके स्प्रिंगफील्ड राइफल थी, हॉकी स्टिक पे उसने कुछ माउंट वगैरह कर रखी थी, और 3 दिन वो रहा वहाँ, और उस टाइम वो स्टार बाइसिकलिंग करने नहीं आया, तो
इनका वो अबॉर्ट हुआ, रेकी वगैरह इन्होंने करी हुई थी और बाद में हरियाणा पुलिस ने भी किया अरेस्ट उसको, दिल्ली पुलिस ने भी अरेस्ट किया, तो ऑलरेडी आई थिंक पब्लिक डोमेन में बात है जी। सर एक सवाल इस केस से इनडायरेक्टली है कि आपको लगता है कि पंजाबी सिनेमा के अंदर या फिर सिंगर जिस तरह से आजकल फूहड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गानों के अंदर हथियार दिखा रहे हैं, क्या ये भी किसकी वजह हो सकता है? देखो आई मीन गन कल्चर को अगर ग्लोरीफाई आप किसी भी करते हो तो यूथ थोड़ा अट्रैक्ट होता है। देखो यूथ का इम्प्रेशनेबल माइंड होता है और जब आप टीनेज में होते हो या यंगर ईयर्स में होते हो तो आपका माइंड जो है बड़ा इम्प्रेशनेबल होता है जी। तो यूथ हमेशा यू नो गन से या ड्रग से या यू नो और तरह की वाइसेस से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बाद में बेशक रिग्रेट करें। बड़े सारे क्राइम में लोग ऐसे हैं जो कि शुरू में क्राइम कर बैठते हैं, बाद में सारी ज़िंदगी पछताते हैं, बट समहाउ इस रास्ते से फिर दोबारा आना कई बार उनके लिए पॉसिबल नहीं होता जी। एक सर बब्बर खालसा के एक्टिव शूटर आप लोगों ने पकड़े हैं, फिर सिद्धू मूसेवाला केस भी आप लोगों ने ही सॉल्व किया, आपकी टीम ने सॉल्व किया, इसके साथ साथ जो विक्की मिडुखेड़ा था जिसके बारे में आपने बात की, इसके शूटर भी आप लोगों ने पकड़े, तो क्या स्पेशल सेल का दायरा बढ़ रहा है धीरे धीरे काम करने का, और ख़ासतौर पर आप जो पंजाब बेस्ड क्राइम है उस पर भी फोकस कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमारी हमेशा ये रहा है कि कहीं भी बड़ा क्राइम होता है देश में, देखो राजधानी है दिल्ली, तो राजधानी तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहती है, तो हमें ज़्यादातर होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है तो कल को ये राजधानी में भी हो सकता है, या इसका कोई राजधानी से किसी ने कोई कम्यूट किया हो, ट्रेवल किया हो, उसका कोई साथी हो, उनका कोई यू नो कोई ना कोई एंगल हमें ज़रूरी होता है कि देखें कि इसका इम्प्लीकेशन राजधानी के लिए क्या है, तो हमारा मेन फोकस वो होता है। एक सर जग्गू भगवानपुरिया जो है, जो लॉरेंस बिश्नोई, इनका जो बेसिकली क्राइम एरिया है खासतौर पर पंजाब है, तो क्या पंजाब में जब भी बड़ा क्राइम होता है आपको लगता है कि इन दो को अगर बातचीत करें? ऐसा जी। नहीं, मैं गलत होगा ये कहना कि सिर्फ पंजाब है, इनके बहुत सारे क्राइम हरियाणा में हैं, दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं और स्टेट्स में हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में गैंगवार बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खबरें सामने आ रही है, इसमें आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? नहीं ये कहना कि एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ हो सकता है तो ये गलत होगा, लेकिन इनकी गैंग राइवलरीज तो हैं, कुछ ना कुछ गैंग वॉर में इनका इंसिडेंट तो आगे फ्यूचर रूल आउट नहीं किए जा सकते। सर एक सवाल पर्सनली है, क्या जैसे सिद्धू मूसेवाला सिंगर थे, आप भी गाने सुनना या उनको लाइक करते थे क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि पंजाब की है? एक्चुअली सच बताऊँ तो मैंने उस दिन तक एक भी गाना नहीं सुना था, नाम सुना था, गाना नहीं सुना था, लेकिन जब वारदात हुई तब मैंने कुछ चीज़ें सामने आई कि ये गाया इसका ये कारण था, तब मैंने फिर सारे एक एक करके सुने कि क्या वर्डिंग थी, क्या बोला या दूसरे लोग क्या उसका क्या इम्प्लीकेशन कहीं कुछ हो सकती है, जैसे गाना था उनका और भी जो कि काफ़ी उसमें रहा कि ये भी एक गाना एक वजह थी, तो मतलब जस्ट प्रोफेशनल एक एंगल से कि इसका क्या कुछ इम्प्लीकेशन थी, क्या इससे कुछ लिंक था, कुछ ट्रिगर था, उस एंगल से, बट सुनने के बाद तो मुझे भी लगा कि बहुत बड़ा टैलेंट थे और जेन्युइन स्टार थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इस केस के हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए और बताने के लिए कि दिल्ली पुलिस ने कैसे काम किया, कैसे आपने इस केस में सफलता पाई। धालीवाल साहब समय दिया पंजाब केसरी को, बातचीत की, धन्यवाद आपका। थैंक यू।